हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली तो आज हम देखने वाले हैं पीरियडिक टेबल तो बेसिकली स्टूडेंट्स जब एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जाने लगा अलग अलग साइंटिस्ट उस पर काम करने लगे तब एक साइंटिस्ट सामने आए जिनका नाम था ओके एंड उन्होंने इस एलिमेंट के क्लासिफिकेशन के लिए एक पीरियडिक टेबल बनाई एंड वहीं से ही एक टेबल का नाम पड़ा मैंडिव पीरियडिक टेबल

तो उस समय तक के जो एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे जो इन एलिमेंट्स को लोग जानते थे आई मीन साइंटिस्ट लोग जानते थे वो टोटल एलिमेंट्स थे ओके okay, इतना क्लियर है अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की की जो की पेरिट टेबल थी वो किस लॉ पे क्या एक्चुअली एक्सप्लेन कर रही थी उन एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के लिए ओके okay, तो एक्चुअली क्या किए मैंडलिव साइंटिस्ट ने यहाँ पे उन्होंने इन एलिमेंट्स को अरेंज किए ओके Arrange, same concept, जैसे कि न्यूलैंड ने अपने Octave Law के according उनके Atomic Masses के उनके किए थे, ने क्या concept पकड़े कि उन्होंने भी उन एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पे अरेंज कर दिए बस इन्होंने एक स्टेटमेंट जो कि न्यूलैंड के ऑक्टिव लॉ में उन्होंने मिस्टेक करी थी बोलने में उसको थोड़ा सा करेक्ट कर दिए क्या करेक्ट किए कि न्यूलैंड ने अपने ऑक्टेव लॉ में यह बोले थे कि हर एट एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो सेम होती है बट वो अपने ही बात में फंस गए थे थे साइंटिस्ट न्यूलैंड क्योंकि कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स जो कि हर एलिमेंट पे उनकी प्रॉपर्टी रिपीट नहीं हो रही थी बट कुछ अदर स्पेसिफिक नंबर पे उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट हो रही थी तो उनके इस पीरियडिक टेबल के लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बोले स्टूडेंट्स कि हम भी वही काम कर रहे हैं हम भी क्या काम कर रहे हैं कि जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की वो डिपेंड करती है एटॉमिक मासेस पे यानी कि क्या है जब एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पे अगर हम अरेंज करते हैं तो उस अरेंजमेंट पे हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिपीट होती है आफ्टर अ फिक्स और पर्टिकुलर स्टेप अब देखिए जैसे कि न्यूलैंड ने बोले हर एट्थ एलिमेंट तो उन्होंने एथ एलिमेंट नहीं बोले उन्होंने क्या बोल दिए कि कुछ को न्यूलैंड के लॉ के अकॉर्डिंग तो इन्होंने क्या बोले वापस में बताना चाहूंगा इन्होंने बोल दिया कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अगर अरेंज करते हैं तो उस केस में उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है कुछ पर्टिकुलर फिक्स स्टेप के बाद वो रिपीट होती है अब ये पर्टिकुलर फिक्स स्टेप के बाद रिपीट होने के लिए साइंस में एक वर्ड दिया गया है पीरियडिक फंक्शन गेटिंग माई पॉइंट पीरियडिक का मतलब क्या होता है कि जो कुछ स्टेप के बाद वो रिपीट हो पीरियडिक मतलब कि वही चीज रिपीट होने वाली हो ओके okay. तो यहाँ पे क्या है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो हैं स्टूडेंट्स वो रिपीट हो रही थी ओके okay, इतना समझ में आ रहा है तो उन एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को रिपीट होने के लिए साइंस में वर्ड दिया गया पीरियडिक फंक्शन तो जो लॉ दिए वो ये था कि जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की वो पीरियडिक फंक्शन के बेस पे काम करता है जब हम उनको अरेन्ज करते हैं उनके एटोमिक मास के बेस पे तो ये लॉ क्लियर हो गया स्टूडेंट्स चलिए इसको थोड़ा सा और इन डेप्थ में समझते हैं कि एग्जेक्टली exactly, जब साइंटिस्ट मेनली इस पूरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे इन एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के लिए काम कर रहे थे तो उन्होंने क्या क्या एफर्ट दिए तो सबसे पहले क्या कि साइंटिस्ट ने जितने भी उस समय तक एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे जैसे कि हमको पता है अलग अलग टाइप से कार्ड्स बनाए एंड उन सारे 63 कार्ड्स पे उन एलिमेंट्स के सिम्बॉल लिख दिए मान लेते बी सी डी एक्चुअली ऐसा नहीं है हाइड्रोजन ओके देन लिथियम तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ भी दिखाने वाला हूँ एलिमेंट्स अवेलेबल थे वो एलिमेंट्स थे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी कैपिटल ई डिश डी डिश ऐसे 63 एलिमेंट्स थे तो साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्या किए 63 कार्ड्स बनाए उन कार्ड्स पे हर एक का जो उनका सिंबल था उस सिंबल को लिख दिए मान लेते हैं ए बी सी डी उन्होंने लिखे एच एल आई बी सी इस टाइप से चलते गए वो ओके अभी हम स्पेसिफिक नहीं हो रहे तो यहाँ पे अलग अलग उनके सिंबल्स बना दिए फिर उनके एटॉमिक मास लिख दिए मान लेते हैं एटॉमिक मास वन है ये टू है ये थ्री है ये फोर है ये फाइव है उसके बाद एटॉमिक मास लिख दिए उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर पे उनको अरेंज भी कर दिए अब हर एक स्पेसिफिक उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज लिख दिए कि वो अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा इस सारे मतलब की एलिमेंट्स के, के रख दिए और जब इनको अरेंज करने गए तो इस टेबल में जब ये कार्ड्स प्लेस करते गए तो कार्ड के प्लेस करने के टाइम पे उन्होंने एक चीज ध्यान रखी कि हमको एटॉमिक मास जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पे अरेंज करना है ओके तो उन्होंने क्या किए सिंपली मान लेते हैं एक एलिमेंट ए उठाए ए को रखे यहां पे ओके एलिमेंट बी देखे बी की प्रॉपर्टीज ए से मैच नहीं कर रही थी तो उसके आगे प्लेस कर दिए फिर एलिमेंट सी उठाए देखे कि ये जो एलिमेंट सी है वो इससे किसी भी मैच नहीं कर रही है तो इस टाइप से उन्होंने मान लेते हैं ये इस टाइप से पहले अरेंज करते गए ओके okay, अभी हम देख रहे हैं इस टाइप से अरेंज करते गए एक्चुअली उन्होंने एट कॉलम्स बनाए थे तो मैं अभी दिखाऊंगा वो टेबल क्या थी वो तो इस टाइप से उन्होंने एलिमेंट्स जो है इस टेबल के अंदर अरेंज करते चले गए ओके स्टूडेंट्स एक्चुअली इतनी बड़ी टेबल है अब क्या किए जब एक एलिमेंट एच आया उस एलिमेंट एच की प्रॉपर्टीज उन्होंने ऑब्जर्व किए कि वो सेम है ए की प्रॉपर्टी के जैसे तो उन्होंने क्या कर दिए उन्होंने एच को रख दिए ए के नीचे फिर दूसरा एलिमेंट आया आई उसको ऑब्जर्व किए तो आई को ऑब्जर्व की तो उसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो बी के जैसे थी तो उन्होंने रख दिए बी के नीचे अब देखिए अब मान लीजिए उनके पास एक नया एलिमेंट आया दैट इज कैपिटल जे लेकिन कैपिटल जे की प्रॉपर्टीज जो थी वो एग्जेक्टली exactly क्या थी सी के जैसे सिमिलर नहीं थी वो सिमिलर थी डी के जैसे तो उन्होंने जे यहां रख दिया अब क्या हुआ ये एक डब्बा छूट गया तो यहां पे भी साइंटिस्ट ने एक बड़ी होशियारी की कि जैसे कि न्यूलैंड ने अपने स्टेटमेंट में फंस गए थे कि उस समय तक 56 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे जब साइंटिस्ट न्यूलैंड ने अपना दिया था, तो उन्होंने क्या बोल दिए थे तो जगह मतलब यहाँ पे अभी भी और नेचर में ऐसे एलिमेंट है जिसको डिस्कवर किया जाना बाकी है जब डिस्कवर हो जाएगा तब हम उसको यहाँ पे सिंपली प्लेस कर देंगे समझ रहे यानी कि उन्होंने फ्यूचर के स्कोप को भी जिंदा रखा कि अगर फ्यूचर में कभी कोई एलिमेंट आता है और उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी और उसका एटोमिक मास अगर आई और जे के बीच का निकला तो हम उसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे रख देंगे समझ रहे हैं इसको। तो इस टाइप से उन्होंने अरेंज किए अब यहां पे एक और प्रॉब्लम क्या आई के बाद मान लीजिए एक नया एलिमेंट के आया ओके okay, तो के प्रॉपर्टी जो है डी और जे के सेम थी तो उन्होंने एक ही कॉलम में दो एलिमेंट्स को रख दिए इस टाइप से तो ये भी उन्होंने अरेंज किया कि एक कॉलम में क्या कर दिया उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स यानी कि दो एलिमेंट्स को रख दिए या कभी-कभी तो सब, तो सब ग्रुप में मतलब कि एक ग्रुप के अंदर दो या तीन एलिमेंट भी आ सकते हैं ओके इसके अलावा मैं ये बताना चाहूंगा कि मेंडलीव ने अपनी स्पेडिंग टेबल के लिए एट ग्रुप बनाए थे एंड उस एट ग्रुप को भी उन्होंने सब ग्रुप में डिवाइड किया सब ग्रुप का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स की और एक ही ग्रुप के अंदर और ज्यादा एलिमेंट भी आ सकते हैं समझ रहे हैं इस चीज को एक ग्रुप के अंदर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट भी आ सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं सब ग्रुप तो इस तरीके से उन्होंने अरेंज किया तो ये अब हम बात करते हैं अब हम चलते हैं जो एक्चुअल मेनली टेबल थी वो कैसे थी चलिए देखते हैं तो बेसिकली स्टूडेंट्स आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ग्रुप नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड द एट तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एट कॉलम्स हैं एन एट कॉलम्स में भी सब कॉलम्स में सब ग्रुप्स में बांटा गया है कैसे अभी हम देखते हैं जैसे देखिए पहले ग्रुप में हाइड्रोजन आया फिर लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन अब उसके बाद जो एलिमेंट आया सोडियम वो लिथियम के जैसे था तो उसको लिथियम के नीचे रख दिया इस टाइप से अरेंज करते गए अब देखिए ये जो फोर्थ रो है इस फोर्थ रो में ओके okay, इस एक ही रो में दो एलिमेंट रख दिया यानी कि आप यहाँ पे एक ही रो में एक एलिमेंट से ज्यादा रख रहे हो यानी कि एक ही उस रो के लिए उस कॉलम में आप दो एलिमेंट रख रहे हैं पोटेशियम भी हो गया कॉपर भी हो गया समझ रहे तो सब ग्रुप में बांट दिया इन्होंने फिर आगे गए तो देखिए इसी फोर्थ रो में ये जो थर्ड ग्रुप में है ये खाली जगह छोड़ दिए क्योंकि पे कोई मास नहीं रहा था तो उन्होंने जगह छोड़ दी और ये बोल दिया कि फ्यूचर में यहाँ कोई तो भी एलिमेंट हम डिस्कवर करेंगे जो कि यहाँ पे प्रॉपर्टी मैच करेगा तब हम यहाँ पे उसको प्लेस कर देंगे इस टाइप से अगर हम देखते हैं ग्रुप नंबर एट में तो उन्होंने इस एक ग्रुप में

वो हम आने वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी एडवांटेजेस okay, तो मेरिट्स या फिर हम आगे आने वाली पढ़ेंगे आई okay, होप आपको ये की टेबल क्या है वो क्लियर हो गया होगा अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें आज के लिए इतना ही Thank you.